तमाम मामला खराब हुए जा रहे हैं। तो एक सभी थक जाएगा हमारी यज्ञी हाजी हारून के साथ में। सुप्रीम कोर्ट के एहकाम पर दुकानें खाली कराने के खिलाफ ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है, जिसके खिलाफ मरहलावार एहतजाजी तहरीक जारी है। ताहम पीर के रोज़ एहतजाजी रैली के बाद धरने के वक्त उस वक्त रैली के शुरका में हैरानी और परेशानी फैल गई, जब जोश खिताबत में ताजिर रहनुमा मुमताज़ लक्की ने ताजिर तंजीमों के दरमियान धड़ाबंदी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुमताज़ लक्की ने क्या कहा, जरा खुद ही सुन लें। हमने कुछ ऐसे बदबخت लोग हैं जो खुद साख्ता एसोसिएशन बनाते हैं और हमें तकसीम करते हैं। वो बदबخت लोगों पर आपकी मौजूदगी में मैं लानत भेजता हूँ। ऐसे लोगों पर लानत है जो हमारे इरादे को ठिकेने के लिए पार्टियां और सब कुछ बनाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, डेंगू का मरीज मुमताज लक्की अपनी तबीयत को ना देखते हुए अल्लाह इसको खुश रखे, अल्लाह इसको सेहत दे, अपने ख्यालों का इजहार कर रहा था। जी ये थे ताजिर रहनुमा मुमताज लक्की, जिन्होंने ताजिर बिरादरी में धड़ाबंदी की लकीर खींचकर इख्तलाफात खोलकर बयान कर दिए। मौजूदा एहतजाजी तहरीक में शहर के अहम तरीन तजारती मराकज़ के सरबराहान की अदम शिरकत वाज़ेह तौर पर महसूस की जा रही है, जिनकी अदम शिरकत की वजूहत मुमताज़ लक्की ने बयान कर दी। ज़रूरत समर की है कि मुश्किल में घिरी ताजिर बिरादरी इस वक्त मुतहद होकर वक्त का मुकाबला करे, ताकि 1,500 से ज़ायद खानदानों को बेरोजगार होने से बचाया जा सके। इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और गवर्नमेंट का भी।